अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। आज कॉरपोरेशन की मीटिंग बहस की नजर होते हुए देखा गया। मेयर को मंजूर हंगामे फंड का गलत इस्तेमाल होने का इल्जाम अपोजिशन लीडर मुजम्मिल डोनी ने लगाया और इसके तफसीलात पेश करने का मुतालबा किया। इस इल्जाम के बाद जोरदार बहस सत्ता और विपक्ष के दरमियान देखी गई और ये बहस तकरीबन 1.5 घंटे तक चलती रही। आज बेलगाम कॉरपोरेशन की जानिब से जनरल मीटिंग मेयर शोभा सोमनाचे के जेर सदारत तलब फरमाई गई थी और मेयर को मंजूर हंगामी फंड की आज की मीटिंग का मरकजी मौजू रहा। बेलगाम कॉरपोरेशन में हंगामी फंड मेयर के लिए 1 करोड़ और डिप्टी मेयर के लिए 50 लाख रुपए रखा जाता है। इस फंड का ऐलान साबित मेयर संभाजी पाटिल के दौर से किया गया, इस तरह भी बताया जाता है। इस हंगामे फंड को उस वक्त से ही महफूज रखा जाता है जब भी इस तरह के इमरजेंसी हालात रुनुआ होते हैं, इस फंड को इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा इस फंड का गलत इस्तेमाल होने का इल्जाम विपक्ष का ही मुजम्मिल डोनी ने लगाया तो काफी देर तक बहस हुई। मेयर शोभा सोमनाचे और डिप्टी मेयर रेशमा पाटिल ने हंगामी फंड को गैर जरूरी जगह पर मतलब समुदाय भवन की कमान बनाने में खर्च किया। क्या इस तरह हंगामी फंड की रकम को कॉरपोरेशन कमानों पर खर्च की जा सकती है क्या, जबकि इसे इमरजेंसी फंड कहा जाता है? ऐसा सवाल भी रेशमा भैरकदार ने किया। वीरभद्र नगर की कारपोरेटर रेशमा भैरकदार ने इमरजेंसी फंड असद खान सोसाइटी के उन रास्तों पर क्यों नहीं किया जहां सड़क खराब होने की वजह से 12 हादसे होते रहते हैं और खुद मेयर डिप्टी मेयर ने भी वहां के हालात का जायजा लिया था। बारिश में किस कदर वहां के आवाम को बेहतर सड़क न होने की वजह से दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, आपने खुद भी देखा है। इस तरह से रेशमा भैरकदार ने कहा, फिर फंड को समुदाय भवन की कमान पर खर्च क्यों किया गया, इस तरह का सवाल भी उन्होंने किया। विपक्ष का सवाल करना बिल्कुल जायज है क्योंकि आपातकाल इमरजेंसी यानी ऐसी कैफियत कभी कभी आ जाती है जहां पर रुपयों की सख्त जरूरत होती है। वैसे भी इस साल बारिश की मिकदार भी कलिर रही, पीने के पानी में ड्रेनेज के पानी दाखिल हो रहे, कुएं सूख रहे हैं और अब तो कभी भी कोरोना फिर से दस्तक दे सकता है। लिहाजा ऐसे वक्त में इस रकम को कमान पर खर्च करना क्या जरूरी था, ऐसा सवाल विपक्ष के तमाम कारपोरेटरों की जानिब से किया गया। इसी दरमियान रवि सारंगी ने भी भाजपा को इशारा करते हुए कहा कि मामला बहुत संगीन नहीं है, पर कुछ भाजपा के कारपोरेटरों की जानिब से बहस मुबासा करने वालों को बाहर करने की बात की, यानी कि बर्खास्त करने की तक बात की तो उस पर तंज कसते हुए उन्होंने बताया कि भाजपा वालों को यही काम आता है क्योंकि संसद में भी इसी तरह बाहर निकालने का काम करके एक तरह से लोकतंत्र को ही खत्म करने का काम इन्होंने किया। लिहाजा आज बिल्कुल वहां का अगर माहौल देखा जाए तो एक मच्छी मार्केट की तरह कॉरपोरेशन की मीटिंग में आज पाया गया। अब तो मेयर भी बहस में अपनी ऊंची आवाज को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेयर ने तमाम इल्जामात पर अब क्यों इस मौजू को छेड़ा गया, क्योंकि मेयर का अब दौर या कार्यकाल भी खत्म होने जा रहा है। आज MLA अभय पाटिल और MLA नॉर्थ जनाब आसिफ राज हुसैन दोनों भी गैर हाजिर थे, पर तमाम मंजर को देखकर अवाम इतना तो जरूर कह रही थी कि क्या सिर्फ बहस ही के लिए तमाम काउंसलरों को चुनकर भेजा है। खासकर सत्ता पक्ष की जानिब से 12 इस तरह के तस्वीर देखी जा रही है। वार्ड की तरक्की के लिए विपक्ष या सत्ता कोई भी हो, काम अवाम का होना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ कॉरपोरेशन की मीटिंगों में सिर्फ बहस देखने को मिल रही है। इतना जरूर कहते हैं कि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। भले इस बार मरकज में भाजपा बड़ी अक्सरियत के साथ जीत दर्ज कर रही हो, पर कर्नाटक में भाजपा की टाइटैनिक डूबती नजर आ रही है क्योंकि अब खुद गीदड़ यानी यतनाल ही भाजपा के खिलाफ बयानबाजी करते हुए देखा जा रहा है। वैसे यतनाल मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी के जरिए घटिया मकबूलियत हासिल करना तो चाहता है, पर उसे खुद ही अपनी पार्टी में पसंद नहीं किया जा रहा, लिहाजा उसे पार्टी से बाहर निकालने की मांग कुछ भाजपाइयों की जानिब से की जा रही है। जब इतनाड़ को इस पर सवाल पूछा गया तो भाजपा में कोरोना के दरमियान 80,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसे बाहर निकालने की धमकी इतनाड़ ने दी है, जिससे भाजपा में और भी इतनाड़ के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। उमूमन ये देखा जाता है कि जितना भी मुसलमानों के खिलाफ बोलोगे उतना मर्तबा भाजपा में बढ़ता है, लेकिन इतनाड़ और भी जिल्लत की खाई में गिरता जा रहा है। वाज रहे येडियुरप्पा हुकूमत में कोरोना के दौरान 40,000 करोड़ का मामला होने की बात इतनाड़ ने की है, उसमें मास्क और बेड का भी उसने जिक्र किया है, जिसकी चर्चा फिलहाल जारी है। मास्क यद्यूरपनवर नहीं 45 रूपये मास्क करोनादा 8 रूपये खर्च हाकी सरकार ना गुर्त 485 रूपये हाकी मास्क उद्धार मादी बड़ो करोनादा 10,000 बेड मेद्री बेंगलूर बल 10,000 बेड
ಬಾಡಿಗೆ ಇದು ತಲೆ ಇಟ್ಕೋರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪೇಟೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪೇಟೆಗೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ ಡೇ ಎಷ್ಟು ಹಾಂ 20,000 ಒಂದು ಕಾಟ ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಸಲಾನಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೈತೆ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಎರಡು ಸೆಟ್ ಬರ್ತಾವೆ ಇವ್ರು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಕ್ಯಾರ ಗುರ್ತತ್ತನ್ನ ಕರೋನಾದಾಗ ದಾಖಲಾತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನಾಗೇನೆ ಐತಿ ಅದೇ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ರೀ ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ರು ಕೇಳ್ರಿ ಈಗ ಶಶಿಪಾಲ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆವಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕರೀತಾ 8,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೊಡೆದಾರ ಅದ್ರೊಳಗೆ 40,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ಐತಿ ನಮ್ಮ ಕರೋನಾ ಯಾರು ಬಡ್ರಮ್ಮ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ದವಾಖಾನೆಗ್ ಒಂದು ಕರೋನಾ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ 8-10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ वजीर लक्ष्मी हेब्बाळकर की जानिब से गृह लक्ष्मी योजना के तहत सभी का फायदा होने के लिए 3 दिन की अवामी अदालत को रखा गया था ताकि कोई भी स्कीम से महरूम ना रहे और देहात करियों में भी इसका फायदा खवातीनों को होता रहे। आज इस अदालत का 3रा दिन था और 3रे दिन लक्ष्मी हेब्बाळकर ने शिरकत कर इसकी अहमियत को बयान किया। इस वीडियो को देखिए, काफी वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल कहां का मालूम नहीं, लेकिन कर्नाटक में जिस तरह से महिला शक्ति के तहत खवातीनों को मुफ्त सफर की स्कीम को जारी किया गया है, लेकिन महिला की शक्ति को बस को धक्का लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसी चर्चा देखी जा रही है। देखिए ये वीडियो महिला शक्ति योजना पर तंज किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। कितना पैसा मैडम? एक बच्चा मिसकैरेज होता है, एक औरत का एक बच्चा मर जाता है, वो औरत अगर इमरजेंसी वार्ड में आईसीयू में मौत के झूले में झूल रही है, उसका कुछ नहीं है। बच्चों के स्कूल जाने के वक्त अगर रिक्शा पलटी आ तो उसका कुछ नहीं है, और संदर रोड का है और कमाल का है, उसके लिए डेवलपमेंट है वो भी किए थे। और आपने देखा था कि चलने नहीं आ रहा था मैडम, आपकी साड़ियाँ उठा होता क्या चल रहे थे, तो दूसरे इंसान का होने का वेट करने का क्या मैडम, वेट करने का? आप इतने बड़े पोस्ट पर बैठे हैं मैडम, आप प्रॉब्लम होता था मैडम। उत्तर द्या मैडम, जे 1,50,000,000 रुपये जे है तुमच्याकडे जे फंड होता, तुम्ही मिस यूज केला म्हणून आरोप आहे आमचा, ते मिस यूज केला म्हणून आरोप आहे आमचा, आता मिस यूज झालेला आहे आरोप आहे, ते इमर्जन्सी इमर्जन्सी काम विचारतो। आप इमरजेंसी कौन सा है हमारे को बताओ, जो एक औरत का मिसकैरेज हुआ वो काम इमरजेंसी है क्या, आपको समझा शाही करने का है, ताला शाही करने का है, तुम्हें ताला शाही कराना, पास कसा करता तुम्हें, हमें उत्तर हमें क्वेश्चन भी चले थे उत्तर देव अंदर ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ಬೇಕಾದ ಫಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ।
कॉर्पोरेशन के फंड के बारे में बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेशन के आप इसे गवर्नमेंट बोलता हो आम्ही बोलणार आहे, त्यांनी पण बोलणार आहे, अपोजिशन पण बोलणार आहे आणि तो अध्यक्ष पण बोलला, सगळी जण बोला, तो केवढा प्रॉब्लेम आहे? लाल लाल मुलं तुम्हाला काय काय बोलला मॅडम ऐका नाही, मी बोलल्यानंतर बोला, मी ऐकतो मॅडम, मॅडम मॅडम ऐका तुम्ही, माझ्या वार्डात येऊन एवढ्या एवढ्या मुलं हे आमचा कारपोर काय कामाचा नाही आणि ह्याला येऊन कंप्लेंट देऊन ह्याला घेऊन येऊन संध्याकाळी व आमचा साहेब आला येऊन व्हिजिट केला, मग त्याच्यात आमचे MLA साहेब आले, कमिशनर साहेब आले, आता जे इमर्जन्सी माझ्या वार्डात सगळे 18 कारपोरेट असला तिथे इमर्जन्सी आहे, तिथे पास करून घ्या आणि ते करून द्या आम्हाला, त्या बोला तर अर्थ नाही कमाल त्या समुदाय भवन इमर्जन्सी जो एक बच्चे का मिसकैरेज हुआ वो इमरजेंसी का हुआ विषय मुगिली तो उत्तराखंड आले नेक्स्ट विषय तो विनंती मैडम उत्तराखंड मैं वन कोटि 50 लाख रूपये मिसयूज आगे ಅದು ಮೀಸಲು ಆಗಬಾರದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ತಗೋಬೇಕಾ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಮೇಡಮ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಬಾಂಧಿ ನಾಹಿ ಆತಾ ಆಮೇ ವಾರ್ಡ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮೇಯರ್ ಮೇಯರ್ ಆ ಕಮಿಷನರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ ಯೂನ್ ಘೇನ್ ಗೆಲೆ ತರಿ ಪಣ ಆಮೇ ವಾರ್ಡ ಮಧ್ಯೆ ಪಿಜಿಡಿ ಲೈನ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಹೋಗ ಖರಾ ಪಾಟಿ ಮಗ್ನ ಸಮೋರ ಇದೆ ತಿಥೆ ಕರಾ ಹೇ ಜೆ ಕರಾ ಆಮಾ ವಾರ್ಡ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೆಲೆ ಸಮಾನ ಆ ಸಮಾನ ಅನಿ वो कई करने का जो काम है वो करो जी, मेरी इजुटी नहीं। अब हमारे इधर अभी भी चलो, अभी सुबह से लेट होगा आने का कारण ही इजुटी लाइन, वो आता है करता है जाता है, आता है करता है जाता है, पर काम कौन करने वाले? अब हम आके 26-25 महीने बाद न्यूयॉर्क के आगे हम अभी तक हमारी इजुटी लाइन नहीं है, मुंजा ने तो बोले सर इजुटी लाइन तिरगड़ो रात्रि इजुटी लाइन तिरगड़ो इजुटी लाइन मारे नंद ರಾಜೀನಾಮೆ ನಮ್ ಬ್ಯಾರ ಅದಷ್ಟು ಮಾಡ್ರಿ ಬ್ಯಾರ ಏನ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ತುಮಾಲಿ ಸಾಂಗತೋ ಮೇರ್ ತುಮ್ಹಿ ಪಣ ಆಲೇಲೆ ಡಿಪ್ಯೂಟಿ ಮೇರ್ ಆಲೇಲೆ ಮೇರ್ ಪಣ ಆಲೇ ತರಿ ದೋಗೇನು ಸ್ಪಾಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೆಲೆ ಸರ್ ತುಮ್ಹಿ ಪಣ ಕೆಲೆ ವಹಿ ಕರ ಓ ಓ ಚೀಜ್ ತೋ ಯೂಸ್ ಕರೋ ಜಿ ಸಮುದಾಯ ಬಂದ್ ಬಂದ್ಕೆ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನೆ ಆಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಹುತ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೋಕ ಬಂದ್ಕೆ ಪೈಸಾ ಕಮಾ ರಹೆ ಕಮಾನೆ ದೋ ಯೆ ಸಮುದಾಯ ಬಂದ್ ಬಂದ್ಕೆ ಕ್ಯಾ ಮಿಲ್ನೆ ವಾಲಾ ಹೈ ಕರೆ ಓ ನಕೋ ಕಿಸ್ತಾ ಬೋಲ್ಲೇಗಾ ದಯವಿ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾರ ಕರ್ತಾ ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಮುಂದಿನ 1 ತಾರೀಕು ನಂತರ ಇಡೀ ಅಶೋಕ್ ನಗರ್ ಜನರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್
ನೀವು ಬರ್ತಾನ ಉಪೋಷಣ ಕೊಡ್ರಿ ನನ್ ಶುಗರ್ ಬಿ ಪಿ ಅದೇ ಐತಿ ಪತ್ರ ಸಾಯಿ ವಾಲಾಕು ಅದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಾಯಿ ಜೈ मेयर डिप्टी मेयर को दिए उसका क्या क्या एक बाइक लेंगे क्या अभी उसका भी एक बाइक और उसके लिए एक अलग से मुझे माफ करना एक इमरजेंसी माइक क्या ಅವಕಾಶ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅಂತರ್ ದಿವಸವೇ ಮಹಾಪೂರ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತರ್ ಕ್ವಶನ್ इमर्जन्सीचा अर्थ काय कारण आता या दोन आमच्या सदस्यांनी सांगितलंय परत त्या सदस्यांनी प्रॉब्लेम असेल आणि आता सध्या काय झालंय पाऊस असल्यामुळे विहिरी लाईन मध्ये ड्रेनेजचं पाणी घुसालंय आणि तुम्ही फ्लॅट परवाशी व्हिजिट केला फक्त आमचं म्हणणं असं आहे इमर्जन्सी कुठे वर्क आणि तुम्ही परवाशी व्हिजिट केलेलं आहे त्या पद्धतीने तुम्ही तिथं काम करून द्या आणि याच्या पुढे आम्ही परत फंड देणार आमचं म्हणणं असं आहे की तुम्ही जे आता कायद्याचे गोट सांगितले की ते बाहेर झाला हे झाला तुम्ही काम तेच करणार आम्हाला तुम्ही जे करताय पाण्याकडून ते चालू आमचं म्हणणं असं आहे की महापौर मॅडमचं आणि उपमहापौर मॅडमचं जे काही फंड आहे ते तुम्ही या सदस्यांचं ऐकून घ्या त्याची काय परिस्थिती तुम्ही समोर बघा आणि नंतर क्लिअर करा तुम्हाला जर ते समजा ते समुदाय भवन बांधायचं अर्जंट आहे का उत्तर महापौर कायदा सल्लागार सांगतात की आम्हाला बाहेर घालतो म्हणून तुमचं
कलम संगले कलम संगले कलम संगले तुम्हारा।